हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विंसम बाय सिमरन। आज हम करने वाले हैं ब्राइडल मेकअप। तो सबसे पहले हम करेंगे CTM, जिसके लिए मैंने यहाँ पे वेट कॉटन पैड ले लिया है और अच्छे से फेस को क्लीन कर लेंगे। क्लेंजिंग के बाद बारी आती है टोनिंग की। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ TNW का टोनर एंड इसके बाद इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ TNW विटामिन सी का ही मॉइस्चराइजर और इसे भी अच्छे से ऑल ओवर द फेस हम अप्लाई करेंगे एंड मेक श्योर जो जो चीज़ आप अप्लाई कर रहे हो उसको स्किन में अब्जॉर्ब होने का प्रॉपर टाइम देंगे या फिर आप फैन से भी इस तरह से ड्राई कर सकते हो। इसके बाद आप देख सकते हो मैं यहाँ पे हेडबैंड जो है वो प्लेस कर रही हूँ। आप भी इसी तरह से हेडबैंड लगा सकते हो ताकि कोई भी बेबी हेयर हो वो हमारे फेस पे ना आए मेकअप करते हुए। एंड आई मेकअप से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे मैं टार्ट शेप टेप कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड लाइट न्यूट्रल और इसे भी अच्छे से अप्लाई कर लेंगे और ब्लेंड कर देंगे मिनी ब्यूटी ब्लेंडर से जो कि है PSC से। कंसीलर को प्रॉपरली ब्लेंड करने के बाद इसे लॉक करना है पाउडर से, तो आप कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर से लॉक कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लॉरा मर्सिया ट्रांसलूसेंट पाउडर प्रॉपरली लॉक करने के लिए। एंड देन हम प्लेस करेंगे अपना आई शेडो। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 35B मॉर्फी की आई शेडो पैलेट और अच्छे से अपर क्रीज लाइन पे जो है वो मैं आई शेडो को ब्लेंड कर दूंगी। ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर लेंगे यूजिंग अ स्मॉल फ्लैट ब्रश। अब मैं यहाँ पे कॉर्नर्स पे अप्लाई कर दूंगी मरून आई शेडो और इसे भी प्रॉपरली ब्लेंड कर लेंगे एंड जस्ट मेक श्योर कॉर्नर्स पे आप हमेशा डार्क शेड अप्लाई करो। आप देख सकते हो क्लाइंट का भी जो आउटफिट है वो इसी शेड का है, दैट इज मरून काइंड ऑफ अ शेड और इसे मैं प्रॉपरली कॉर्नर्स पे ब्लेंड कर रही हूँ। इसको और ज़्यादा डिफाइन करने के लिए अब मैं कॉर्नर पे यूज़ करूँगी ब्लैक आई शेडो और उसे भी इसी के साथ ब्लेंड कर लूँगी। अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद अब बीच में मैं अप्लाई करने वाली हूँ गोल्डन शिमर आई शेडो और इसे मैं फिंगर से ही अप्लाई करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसी से इसका बेस्ट रिजल्ट आता है और जब मुझे फिनिशिंग देनी होती है कॉर्नर्स पे तब मैं स्मॉल फ्लैट ब्रश यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से प्रॉपरली डिफाइन कर लेंगे हम अच्छे से यूजिंग स्मॉल फ्लैट ब्रश और ब्रशेज मेरे मोस्टली सभी मॉर्फी PSC और रियल टेक्निक के ही होते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ग्लिटर। तो यहाँ पे मैंने एनेस्टासिया का ग्लिटर लिया है और शेड है इलेक्ट्रिक और इसे मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ, मैंने इसको मिक्स किया मेकअप स्टूडियो के टू वे जेल से एंड डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ ऑन आईलिड्स यूजिंग अ फ्लैट ब्रश। ग्लिटर एप्लीकेशन के बाद जितना भी फॉल आउट हुआ है उसे हम क्लीन कर लेंगे यूजिंग द वेट कॉटन पैड। एंड नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे जेल लाइनर, सो दिस इज फ्रॉम इंगलॉट नंबर 77 एंड इसे भी प्रॉपरली अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे मस्कारा, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मार्क जेकब्स का मस्कारा एंड दिस इज़ अ वेरी गुड मस्कारा, दिस इज़ वाटर प्रूफ ऑल्सो और इसको भी अच्छे से अप्लाई कर लेंगे लैशेज़ पे। इसके बाद बारी आती है आईलैश एप्लीकेशन की, जिसके लिए मैं मिंक लैशेज यूज़ कर रही हूँ। ये लैशेज़ हमारे इंस्टा पेज पे आपको मिल जाएंगी बाय द नेम ऑफ विंसम हेयर स्टाइल एक्सेसरीज। इस पेज पे आप जाके मिंक लैशेज़ परचेज कर सकते हो। और ग्लू जो मैंने यहाँ पे यूज़ करी है दैट इज़ फ्रॉम मिस क्लेयर। हमारा आई मेकअप हो चुका है, इसके बाद बारी आती है फेस प्राइमिंग की। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एम्ब्रोलिस मॉइस्चराइजर, वन ऑफ माय फेवरेट मॉइस्चराइजर्स और खासकर की विंटर्स में तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्योंकि स्किन को प्रॉपरली हाइड्रेट भी कर देती है। इसे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे ऑल ओवर द फेस। कंसीलिंग के लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप स्टूडियो फाउंडेशन पैलेट इन द नंबर AP 066 और क्लाइंट की स्किन से एक शेड डार्कर हमें यहाँ पे यूज़ करना है
और उसको प्रॉपरली अप्लाई कर लूँगी, जितना भी डार्कर पॉइंट्स हैं इनकी स्किन पे वहाँ वहाँ पे आने से ब्लेंड कर लेंगे। तो एक दो जगह ऐसी थी जहाँ पे मुझे कवरेज नहीं मिली, तो वहाँ वहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ टार्ट शेप टिप कंसीलर, और जैसे कि ये अंडर आइज हो गई और थोड़े से एक्ने मार्क्स थे, तो वहाँ पे मैंने यूज़ करा है टार्ट शेप टिप कंसीलर क्योंकि ये फुल कवरेज है। इसे भी प्रॉपरली ब्लेंड कर लेंगे एंड अगेन आई एम यूजिंग अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर। डैप डैप करके हमेशा हमें ब्लेंड करना है। और इसके बाद जो फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ नार्स फाउंडेशन एंड द शेड इज़ फिजी, और इसे भी अच्छे से हम अप्लाई कर लेंगे ऑल ओवर द फेस एंड देन इसे भी ब्लेंड कर लेंगे यूजिंग अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर। इसके बाद हाइलाइटिंग कर लेंगे, तो आई एम यूजिंग नार्स कंसीलर इन द शेड कस्टर्ड, और इसे भी हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे हम अप्लाई कर लेंगे एंड ब्लेंड कर देंगे। अब हम करेंगे क्रीम कंटूरिंग, तो जिसके लिए अगेन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेकअप स्टूडियो फाउंडेशन पैलेट, और ब्राउन शेड आप देख सकते हो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे कंटूरिंग के लिए। इसे भी ब्लेंड कर लेंगे, तो आप देख सकते हो नोज़ के लिए मैं स्पेशली यहाँ पे मिनी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जितने भी स्मॉल पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे हमें मिनी ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करना चाहिए। क्रीम कंटूरिंग के बाद बारी आती है क्रीम ब्लश की, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इन बाय बे का मूज ब्लश इन द शेड 06, और इसे भी मैं एक फ्लफी ब्रश के साथ अप्लाई कर रही हूँ एंड इसे भी अब मैं ब्लेंड कर दूंगी। इसके बाद बारी आती है पाउडर लॉक की, तो अच्छे से हम अंडर आइज जो है वो दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे ताकि जो भी क्रीज लाइंस आई हैं उसे हम दोबारा से ठीक कर लें। एंड नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे लूज पाउडर जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरा मर्सियर ट्रांसलूसेंट पाउडर, और इसे मैं अपने पैक के पफ के साथ अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट हम करेंगे आईब्रोज को डिफाइन, तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ अपना फेवरेट डिफाइनर दैट इज़ फ्रॉम एनास्टासिया एंड द शेड इज़ मीडियम ब्राउन। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हूला ब्रॉन्जर फ्रॉम बेनिफिट एंड इसे भी अच्छे से हम अप्लाई कर देंगे अपने कॉन्टोरिंग पार्ट्स पर। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ फॉरएवर 52 ब्लश पैलेट से ब्लश, और मैंने यहाँ पे 2 शेड्स मिक्स करे हैं कॉर्नर्स के पीच एंड पिंक, और इसे भी अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी काजल, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ रिकोट की काजल पेंसिल, और इसे मैं वाटर लाइन पर अच्छे से अप्लाई कर लूंगी।
एंड देन लोअर लैश लाइन पर हम आई शेडो प्लेस कर देंगे। तो सेम जो हमने आई मेकअप में आई शेडो यूज़ किया है उसी को मैं लोअर लैशेज पर भी अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद हम लोअर लैशेस पर भी मस्कारा अप्लाई कर लेंगे। तो ये मस्कारा है फ्रॉम फेसेस कनाडा। एंड देन जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर है उसे हम डस्ट ऑफ कर लेंगे यूजिंग अ क्लीन फ्लफी ब्रश। इनर कॉर्नर्स पर आईज की हम थोड़ा सा शिमर शैडो प्लेस करेंगे एंड देन हम नेक पर भी फाउंडेशन प्लेस कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं मेकअप स्टूडियो फाउंडेशन पैलेट से फर्स्ट शेड जो है वो अप्लाई कर रही हूँ और इसे भी ब्लेंड कर देंगे। फाउंडेशन के बाद इसे भी पाउडर लॉक करेंगे। तो यहाँ पे मैं मैक का कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ। इसके बाद बेस को फिक्स करने के लिए यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ मैक प्रेप प्लस प्राइम फिक्स प्लस स्प्रे एंड इसको अच्छे से ऑल ओवर द फेस अप्लाई करेंगे आई मेकअप को बचा के। एंड देन इसको मैं ड्राई करूंगी यूजिंग माय फैन। अब हम अप्लाई करेंगे हाइलाइटर, तो जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ बेका शैम्पेन पॉप हाइलाइटर और इसे भी हाइलाइटिंग पॉइंट्स पर हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। चीक्स, नोज, फोरहेड, क्यूपिड्स बो, चिन, अच्छे से हम इसको अप्लाई कर लेंगे। एंड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं कि मैं कौन से फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, सो मैं रिकॉर्ड करती हूँ जनरली S22 Ultra से। एंड वीडियोज़ जो मैं इन बिटवीन वीडियोज़ बनाती हूँ वो मैं बनाती हूँ iPhone 14 Pro Max से। कॉलर बोन्स को भी अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे। नेक्स्ट बारी आती है लिप्स की, तो लिप लाइनर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ PSC लिप लाइनर इन द शेड ब्यूटी क्वीन। और इनर कॉर्नर्स पर मैं थोड़ा सा ग्लिटर लाइनर भी ऐड कर रही हूँ, दैट इज़ फ्रॉम अर्बन डिके इन द शेड मिडनाइट काउबॉय। एंड यू कैन सी आर मेकअप इज़ डन। हेयर स्टाइल बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे जो कि है लॉरियल का कंस्ट्रक्टर और इसे अच्छे से ऑल ओवर दी हेयर हम अप्लाई करेंगे। देन करेंगे कोम और इसके बाद हम करेंगे ड्रायर। तो ड्राई करने के बाद अब यहाँ पे निकालेंगे मिडिल पार्टिंग और मिडिल पार्टिंग के बाद यहाँ पे हम निकालेंगे ईयर टू ईयर पार्टिंग। और अब हम ईयर टू ईयर पार्टिंग में करेंगे क्रिम्पिंग। तो यही तीन मेन स्टेप्स होते हैं हेयर प्रिपरेशन के। सबसे पहले आपको करना है हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे अप्लाई, फिर उसके बाद आपको करना है ड्रायर एंड देन यू हैव टू डू क्रिम्पिंग। ये तीन स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेयर प्रिपरेशन में। तो अब हम कर रहे हैं क्रिम्पिंग, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आइकॉनिक का टाइटेनियम क्रीम। और जैसे कि आप देख सकते हो मैंने एक हैंड में वेयर कर रखा है ग्लव्स, तो ये नॉर्मल विंटर ग्लव है। इसमें आइकॉनिक और ब्रॉन्सन का भी हैंड ग्लव आता है जो कि हीट प्रोटेक्टिंग ग्लव होता है, आप वो भी वेयर कर सकते हो। और यहाँ पे मैं इसलिए ये यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जब हम बहुत देर तक कोई भी मशीन यूज़ करते हो तो वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है, तो उससे बचने के लिए मैं यहाँ पे हमेशा ये ग्लव वेयर कर लेती हूँ। इसके बाद ऐसे ही पतले पतले सेक्शन देके हम करेंगे क्रिम्पिंग। अभी के लिए मैं क्रिम्पिंग सिर्फ ईयर टू ईयर पार्टिंग में कर रही हूँ क्योंकि बैक पे हमें बन बनाना है। क्रिम्पिंग करने से हमें बहुत ही अच्छा वॉल्यूम मिल जाता है हेयर में। और ये तीन मेन स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं हीट प्रोटेक्टेंट, ड्रायर एंड क्रिम्पिंग, इसका यही फायदा रहता है कि जब आप हीट प्रोटेक्टेंट लगाते हो तो बाल बिल्कुल डैमेज नहीं होते हैं, उसके बाद जब आप ड्रायर करते हो तो बाल ड्राई तो होते ही हैं, इसके अलावा थोड़े से स्ट्रेट भी हो जाते हैं। और नेक्स्ट हम जब क्रिम्पिंग करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा वॉल्यूम भी मिल जाता है हेयर में।
तो ईयर टू ईयर पार्टिंग में क्रिम्पिंग करने के बाद अब हम फिर से एक बार सेंटर पार्टिंग निकालेंगे और एक बार फिर से ईयर टू ईयर पार्टिंग निकाल लेंगे। आगे वाले सेक्शंस को क्लिप से होल्ड कर लेंगे। इसके बाद निकालेंगे सी सेक्शन जिसपे हमें बनाना है पफ। इस सेक्शन को भी अभी के लिए हम क्लिप लगा के रख लेंगे क्योंकि नीचे हम बनाने वाले हैं पोनीटेल और ये जो बचे हुए हेयर हैं इनको नीट कर लेंगे प्रॉपरली और यहाँ पे हम बनाएंगे पोनीटेल। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ टाफ्ट का हेयर स्प्रे टाफ्ट नंबर 5 और इससे जितने भी बेबी हेयर हैं वो सब अपने आप ही स्टिक हो जाएंगे और पोनीटेल में आ जाएंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी लूप अप पोनीटेल बनाने के लिए और इसे भी अच्छे से फिक्स कर दूँगी एंड हमारी पोनीटेल बनके तैयार है। इसके बाद अब बारी है पफ की और पफ के लिए भी हम एक एक सेक्शन लेंगे उस पर करेंगे बैक कोमिंग। जितना बड़ा जितना वॉल्यूमिनस आपको पफ चाहिए उतनी ही ज़्यादा सेक्शंस में आप बैक कोमिंग करोगे और अगर आपको पफ ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए तो आप कम सेक्शंस लेके कम बैक कोमिंग करोगे। तो मैं यहाँ पे मीडियम पफ बना रही हूँ जिसके लिए मैंने करीबन 4 से 5 सेक्शंस लिए हैं और मीडियम नॉर्मल बैक कोमिंग करी है। इसके बाद एक एक करके सेक्शन को पीछे लेके आएंगे। एक एक करके जब आप सेक्शंस को पीछे लेके आते हो तो वॉल्यूम अच्छा मिल जाता है और इसके बाद अब हम नीट कर लेंगे इस सेक्शन को पूरे और अच्छे से बैक पे ले आएंगे एंड देन इसको लॉक करेंगे यूजिंग अ यू पिन। यू पिन से इसीलिए लॉक करते हैं ताकि हम जो अपनी लेयर्स हैं वो ईजिली निकाल पाएँ। अगर आप डायरेक्टली बॉब पिन से लॉक कर दोगे तो आप लेयर्स नहीं निकाल पाओगे ईजिली और फिनिशिंग भी नहीं आएगी। इसीलिए अब मैंने यहाँ पर इसको लॉक किया एक यू पिन से और बीच में मैंने यूज़ किया शाइन स्प्रे ताकि ये फिनिशिंग आ जाए इस पफ में। और अब हम करेंगे पुलिंग। तो एक एक छोटे छोटे सेक्शन लेके हम पुल कर रहे हैं लेयर्स निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कितना इजीली हमारी लेयर्स निकलती हैं क्योंकि हमने इसको यूपिन से लॉक किया है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे स्प्रे। तो अगेन यहाँ पे मैंने टाफ्ट के स्प्रे से इसको होल्ड कर दिया ताकि एज इट इज़ लाइंस क्रिएट हो जाएं। और अब बारी आती है फाइनल लॉक करने की जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी बॉब पिंस। तो जितना बड़ा हमारा पफ होता है उतनी ज़्यादा पिंस हमें लगानी पड़ती है। सो ये थोड़ा सा ब्रॉड पफ है थोड़ा सा थिक पफ है इसीलिए यहाँ पे 4 बॉब पिंस मैं लगाऊंगी अच्छे से फिक्स करूँगी एंड हमारा पफ एंड पोनी रेडी है। इसके बाद हम आते हैं फ्रंट पे। तो फ्रंट पे इस तरीके से एक फ्रंट सेक्शन निकाल लेंगे फ्लिक्स के लिए एंड देन पीछे के बालों में हमें करनी है बैक कोमिंग। बैक कोमिंग करने के बाद अब इन सेक्शंस को कर लेंगे नीट आगे से और इसको देंगे एक अच्छा सा ट्विस्ट और ट्विस्ट करते हुए इसको बैक पे लॉक कर देंगे। एंड अगेन अब हम इसमें निकालेंगे लेयर्स। तो अभी मैंने वहाँ पे होल्ड किया है और होल्ड करते ही मैं इसमें लेयर्स निकाल रही हूँ। आप चाहो तो यू पिन लगाने के बाद भी लेयर्स निकाल सकते हो एंड एक बार आपकी लेयर्स निकल गई इसके बाद आप इसको फाइनल लॉक कर दोगे पॉप पिन से एंड यू कैन सी कितना अच्छा इफेक्ट आया है इसका। इसी तरह से सेम हम दूसरे पार्ट पर भी कर लेंगे एंड अगेन फ्रंट फ्लिक्स के लिए सेक्शन छोड़ेंगे बैक सेक्शन पे करेंगे बैक कोमिंग देन करेंगे ट्विस्टिंग सेक्शन को नीट जरूर करना है जिसके लिए मैं यहाँ पे शाइन स्प्रे भी यूज कर रही हूँ जो कि है ओसिस प्लस का शाइन स्प्रे और बिल्कुल उसी तरह मैं यहाँ भी लेयर्स पोल कर लूंगी। और इसे भी फाइनल लॉक कर देंगे पॉप पिन से
अगर आपको कभी भी कोई भी सेक्शन उठा हुआ लग रहा है तो आप इस तरह से यू पिन लगा के उसको बैठा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। तो इसके बाद हम यहाँ पे होल्ड स्प्रे अप्लाई कर देंगे अच्छे से, टाफ मैंने यूज़ किया, एंड देन फ्रंट फ्लिक्स को हम कर लेंगे कर्ल, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आइकॉनिक प्रो टाइटेनियम शाइन, और इसे हम आगे कर्ल कर लेंगे। और जो बिल्कुल फ्रंट की फ्लिक है इसको हम स्ट्रेट ही छोड़ देंगे, क्योंकि अगर मैं इसे भी कर्ल करती तो ये बहुत ही छोटी हो जाती कर्ल करके, इसलिए वी आर कीपिंग इट स्ट्रेट। और इसी तरह दूसरी साइड की फ्लिक्स को भी कर्ल कर लेंगे और फ्रंट को स्ट्रेट ही रखेंगे। और हमारी फ्रंट हेयर स्टाइलिंग हो चुकी है। इसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ बिंदी, एंड नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे माथा पट्टी। और यहाँ पे मैंने माथा पट्टी को पहले प्लेस किया और उसके बाद जो पीछे होल्स होते हैं उसमें मैंने यू पिन से उसको होल्ड कर दिया है। नेक्स्ट बारी आती है टीका की, तो यहाँ पे मैंने टीके में थ्रेड ऑलरेडी डाल लिया है और इसके बाद निडल भी मैंने इसमें डाल रखी है, जिसे हम पफ के अंदर लेके जाएंगे और पीछे से पुल कर लेंगे। तो ये वाली टेक्निक आप तब यूज़ कर सकते हो जब आपका हेयर स्टाइल ऑलरेडी बन चुका है या फिर आप भूल गए हैं टीका लगाना। तो इससे क्या होता है, ईजिली आप अपने टीके को सेट कर सकते हो इवन आफ्टर मेकिंग द हेयर स्टाइलिंग। और अब मैंने इस थ्रेड को कट किया है और पीछे पॉपिंस के बीच में लॉक कर दिया उस थ्रेड को, और इसके बाद अब हम बैक पे एक नॉर्मल ट्विस्टेड बन बना रहे हैं, साथ के साथ ही इसको लॉक कर देंगे यू पिंस की हेल्प से। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी लॉन्ग हेयर थे इसलिए हमने इनके हेयर का ही बन बनाया। अगर आपके क्लाइंट के हेयर शॉर्ट हैं तो आप यहाँ पे स्विच भी यूज़ कर सकते हो, जो नॉर्मल बन एक्सटेंशंस आती हैं वो भी अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ हेयर एक्सेसरीज, जो कि हैं ये आर्टिफिशियल रोजेज, आप चाहो तो रियल फ्लावर्स का भी यूज़ कर सकते हो। और इसे और सुंदर बनाने के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ये बेबी ब्रेथ फ्लावर्स, ये भी आर्टिफिशियल ही हैं। इस तरह की एक्सेसरीज आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर इजीली मिल जाएंगी, जो कि है विंसम हेयर स्टाइल एक्सेसरीज के नाम से। और हमारा हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट डन है, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी फिनिशिंग। फिनिशिंग करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये टूथब्रश, जिस पे मैंने थोड़ा सा स्प्रे डाला है टाफ्ट का, और इससे हमारे जितने भी बेबी हेयर हैं वो आगे से सेट हो जाते हैं। And this is the final look. I really hope you find this video helpful. Thank you so much for watching.